हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आज किस वीडियो के अंदर। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह कैनवा को यूज़ करते हुए मोबाइल वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपने कैनवा का कोशिश करें, पेड अकाउंट इस्तेमाल करें। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कैनवा का सर्च इंजन मिल जाता है, ठीक है। सर्च इंजन से मुराद ये वाली बार होती है, जिस बार के ऊपर आपने सर्च करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मोबाइल मोबाइल वीडियो लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने मोबाइल वीडियो लिखी, ठीक है, एंटर का बटन दबाया, तो यहाँ पे ये मुझे मोबाइल के टेम्पलेट वीडियो बनी बनाई जो है ना, वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी आपको मिल जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको एनिमेटेड, ठीक है, सैम्पल, मॉडर्न, यहाँ पर नीचे आते जाएँ तो आपको व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, फूड, एड, फोटो। यहाँ से अगर मैं करता हूँ फूड के ऊपर, तो ये मेरे पास सिर्फ फूड वाली रह जाएंगी, यहाँ पे बाकी सारी खत्म हो जाएगी। देखिए फूड वाली आ गई, ठीक है। अभी यहाँ से बिजनेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास बिजनेस वाली आ जाएंगी। फूड वाली को मैं यहाँ से आउट करता हूँ और बिजनेस वाली को कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बिजनेस वाली आ जाएंगी। यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको करता हूँ ख़त्म, और यहाँ से हम करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग वाली वीडियो जो है वो आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल इस वीडियो के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। जिस वीडियो को भी आपने ऐड करना, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे, आपने जस्ट उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करना होता है, ठीक है। अभी ये वाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर सिंगल क्लिक किया। एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको रीडायरेक्ट करके एडिटेबल पैनल के अंदर ले जाएगा, वो पैनल जहाँ पर इसको हम एडिट कर सकते हैं, उस लोकेशन के ऊपर आ गए, यानी कि उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर ये थोड़ा लोड हो रही है क्योंकि इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए लोड हो रही है। इसको पहले हम एक दफ़ा प्ले करके चेक करें कि ये दिखती किस तरह की है। इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ प्ले। ये इस तरह का उसने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी पीछे एडजस्ट किया हुआ है, इमेजेस वगैरह भी और टेक्स्ट वगैरह भी सेट किया हुआ है। मैं इसको पहले थोड़ा कर लेता हूँ जूम। अब यहाँ से मैं इस टेक्स्ट के ऊपर करता हूँ क्लिक और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ चेंज। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ जी एलिमेंट्स के ऊपर और यहाँ से मैं एलिमेंट्स करता हूँ ठीक है। अभी यहाँ से मैं कोई ले आता हूँ जी एनिमेटेड, इसको मैंने यहाँ से किया डिलीट और यहाँ पे मैं उठा के ये वाली कैट ले आया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ से आगे ग्राफिक के अंदर, ग्राफिक के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ से मैं बैकग्राउंड के ऊपर चला जाता हूँ, ये बैकग्राउंड, और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं ये येलो वाला इसके ऊपर रखता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर ला के छोड़ेंगे, ये खुद ब खुद पीछे बैकग्राउंड सेट कर देगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से बैकग्राउंड भी इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप इनकी लोकेशन वगैरह का चेंज करनी है, टेक्स्ट को इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी एडजस्ट वगैरह तरतीब इनकी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर जो है जितनी भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपके पास वीडियो फाइनल हो तो आपने यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना। डाउनलोड करने के लिए आपने इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।